गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंसा क्या होती है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके रूप के बारे में, उसके चार प्रकार जो थे, नस्लीय हिंसा, लैंगिक हिंसा, धार्मिक हिंसा और घरेलू हिंसा। इन सबके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। मेन जो हमारा टॉपिक है वो है घरेलू हिंसा, यानी डोमेस्टिक वायलेंस। तो घरेलू हिंसा क्या है, हम जो जो टॉपिक आज पढ़ेंगे घरेलू हिंसा से रिलेटेड, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि घरेलू हिंसा आखिर क्या होती है। तो घरेलू हिंसा से हमारा तात्पर्य किसी महिला को उस व्यक्ति द्वारा जिसके साथ वह घर में रहती है तथा पारिवारिक संबंध रखती है, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक अथवा यौन रूप से प्रताड़ित की जाती है, वह घरेलू हिंसा कहलाती है। महिला के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट करना, उत्पीड़न देना, धमकी भी हिंसा के अर्थ में ही आते हैं। इसके अंतर्गत पीड़ित महिला की अभिरक्षा में रह रहे बालक या बालिका के साथ की गई हिंसा को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये बात हो गई घरेलू हिंसा के बारे में। तो घरेलू हिंसा के बारे में मैंने आपको बताया था कि घरेलू हिंसा की जड़ें हमारे समाज तथा परिवार में गहराई तक जम गई हैं। इसे व्यवस्थात्मक समर्थन भी मिलता है। घरेलू हिंसा के खिलाफ यदि कोई महिला आवाज उठाती है तो इसका तात्पर्य है कि वह अपने समाज और परिवार में आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रही है। प्रायः देखा जाता है कि घरेलू हिंसा के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। परिवार तथा समाज के संबंधों में व्याप्त ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अपमान तथा विरोध घरेलू हिंसा के मुख्य कारण हैं। परिवार में हिंसा की शिकार केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि बूढ़े बच्चे भी बन जाते हैं। प्रकृति ने महिला और पुरुष की शारीरिक संरचनाएं जिस प्रकार की दी है उसमें महिलाएं हमेशा नाजुक और कमजोर समझी जाती हैं। अब हम बात करेंगे घरेलू हिंसा की परिभाषाओं के बारे में। तो पहली परिभाषा जो है वो पुलिस विभाग के अनुसार है, महिला, वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाले किसी भी तरह के हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहेज प्रताड़ना तथा अकारण मारपीट करना प्रमुख है। सेकेंड है, राज्य महिला आयोग के अनुसार कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से तृप्त है तो वह घरेलू हिंसा कहलाएगी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 उसमें घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता के अधिकार प्राप्त करता है। आधारशिला एनजीओ के अनुसार परिवार में महिला अथवा उसके साथ या उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट, धमकी देना तथा उत्पीड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि घरेलू हिंसा के कारण क्या क्या रहे हैं, आखिर किस वजह से घरेलू हिंसा जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो महिला उत्पीड़न का एक मुख्य कारण महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता है। घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण समानतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव, महिला के चरित्र पर संदेह करना, शराब का लत होना, महिला को स्वावलंबी बनने से रोकना आदि माने जाते हैं। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावात्मक रूप से कमजोर होती हैं। प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना ना बनाना शामिल है। विवाहेतर संबंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल ना करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बांझपन भी परिवारों के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है। पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण में पत्नियों के निर्देशों का पालन ना करना, पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, विवाहेतर संबंध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नहीं करना है, बच्चों की उचित देखभाल ना करना, पति पत्नी के परिवार को गाली देना, पुरुषों का बांझपन आदि कारण है।
बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के व्यवहारों में माता पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना करना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन या पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ बराबरी पर नहीं होना, माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस करना आदि हो सकते हैं। ये तो सारे जो है वो घरेलू हिंसा के कारण है कि ये कारणों के द्वारा ही घरेलू हिंसा जो है वो हमें अपने समाज में देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे घरेलू हिंसा के समाधान के उपाय कि हम किस तरीके से घरेलू हिंसा को रोक सकते हैं। तो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम 2006, पुलिस न्यायालय, एनजीओ, पारिवारिक अदालतें, महिला आयोग आदि संगठन सक्रिय रूप से कार्यरत है। इसके अतिरिक्त शिक्षा संस्थाओं में छात्राओं को घरेलू हिंसा की खुलकर शिक्षा देना, प्रत्येक थाने पर प्रतिमा समस्या समाधान शिविर आयोजित किया जाना आदि एक कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं जिससे घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नहीं होते हैं। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध कराकर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकाल सकते हैं। भारत अभी तक हमलावरों की मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसे बदलने का प्रयास करने के मामले में पिछड़ रहा है। हम अभी तक विशेषज्ञों द्वारा प्रसारित इस दृष्टिकोण की मोटे तौर पर अनदेखी कर रहे हैं कि महिलाएं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायनों में समाप्त करने के लिए हमें पुरुषों को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हें इस मसले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा। सुधार लाने के लिए सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाना चाहिए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे पीटे ढर्रे से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा। तो ये बात हो गई कि घरेलू हिंसा का हम समाधान किन किन उपायों के रूप में निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं घरेलू हिंसा के दुष्परिणाम क्या क्या हैं। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का महिलाओं पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के साथ साथ उनके परिवार पर, सामाजिक व्यवस्था पर महिला हिंसा का गहरा कुप्रभाव पड़ता है जो समय बीतने के साथ ही व्यक्तिगत विघटन, जहां पारिवारिक विघटन एवं सामाजिक विघटन को जन्म देता है। महिला हिंसा से समाज की एकता और अखंडता कुप्रभावित होती है। वही यह हिंसा समाज के विकास पर भी दुष्प्रभाव डालता है। महिलाओं तथा बच्चों पर घरेलू हिंसा के शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक दुष्प्रभाव जुड़े होते हैं जिसके कारण महिलाओं के काम तथा निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। परिवार में आपसी रिश्तों और आस पड़ोस के बच्चों के साथ इनका असर भी देखने को मिलता है। घरेलू हिंसा के कारण दहेज मृत्यु, हत्या, आत्महत्या बढ़ती है। वैश्यावृत्ति की प्रवृत्ति भी इसी कारण बढ़ती है। महिला की सार्वजनिक भागीदारी में बाधा होती है। महिलाओं का कार्य क्षमता घटती है, साथ ही वे डरी डरी भी रहती हैं। परिणाम स्वरूप प्रताड़ित महिला रोगी बन जाती हैं, जो कभी कभी पागलपन की हद तक पहुंच जाती हैं। तो ये हमने बात करी कारणों के बारे में, घरेलू हिंसा के क्या क्या कारण होते हैं। अब सबसे आखिरी में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा एवं उसके संरक्षण नियम के बारे में। तो महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2000